बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने लगे हैं आलू मोंगरे। और ये पानी हमारा गर्म हो गया है, मोंगरे हम इसमें डाल रहे हैं साफ़ करके। थोड़ा सा इनको 10 मिनट तक पानी में उबालेंगे, क्योंकि इनमें कड़वाट भी होती है और स्मेल भी होती है। तो ये इसको 10 मिनट उबालेंगे ना, तो इनकी कड़वाट ख़त्म हो जाएगी। तो उसके बाद हम इसका सालन बनाएंगे। ये हमारे अपने मोंगरे हैं, हमने अपने खेत से तोड़ के लाए हैं, फ्रेश ताज़ा मोंगरे। ये देखिए हमारे मोंगरे उबल गए हैं। 10 मिनट उबालना होता है बस इनको, और फिर इनका पानी निकाल देंगे, इनकी स्मेल कड़वाहट ख़त्म हो जाती है, वरना अजीब सी कड़वाहट होती है और स्मेल होती है इसकी। ये हमारे यहाँ की सीज़न की अब आखिरी सब्ज़ी है, ख़त्म होने वाले मोंगरे भी अब पक रहे हैं। ये हमने छान लिए मोंगरे, इनका पानी निकल गया, कड़वाहट स्मेल भी ख़त्म हो गई है। ठीक है, ये हमने प्याज डाल दिए, तेल गरम हो गया था, सरसों का तेल है। प्याज ब्राउन करेंगे हम। ये आलू को हमने नमक लगा दिया है, तो इसको कुछ देर नमक लगा के रखेंगे। आलू को नमक ज़रूर लगाया करें। ये देखिए हमारे प्याज हल्के ब्राउन हो गए हैं, अब हम इसमें लहसुन अदरक पिसा हुआ डालेंगे। टमाटर डाल दिए, हल्दी 1 चम्मच, लाल मिर्च, एक चम्मच, नमक, पानी का छट्टा लगाएंगे और मसाला भुनेंगे। अभी देखिए मसाला भुन गया हमारा, इसने ऑयल छोड़ दिया है। अब हम इसमें आलू डालेंगे। बिस्मिल्लाह,
हींग का पानी डाल दिया इसमें थोड़ा सा, एक चम्मच के करीब। आलू हमारे भुन गए हैं, अभी हम इसमें डालेंगे मोंगरे, थोड़ा उनको भी डाल के भून लेंगे। पहले हमने उनको थोड़ा सा 10 मिनट पानी में बॉईल किया था ताकि उनकी कड़वाहट ख़त्म हो जाए। बिस्मिल्लाह, ये देखिए हमने भून लिया मोंगरे और आलू, और इसमें थोड़ा सा पानी डाल के अब इसको हम दम पे लगाएंगे ताकि हमारे आलू और मोंगरे गल जाएं। ये देखिए हमारे मोंगरे भी गल गए हैं और आलू भी गल गए हैं। अब हम इसमें डालेंगे हरी धनिया, हरी मिर्चें। बिस्मिल्लाह, और एक अदद नींबू भी निचोड़ देंगे। आप जब भी हंडिया पकाएं ना तो उसको नीचे ज़मीन पे ना रखा करें, हंडिया फट जाती है। इस तरह हमारी तरफ तो ये मिलते हैं, हम इनको ऊनू कहते हैं, इनको इसके ऊपर रखा करें, या कोई भी फ्रेम हो आप उसके ऊपर रखा करें। हांडी नीचे आप जब गर्म होती है तो ठंडी जगह पे रखते हैं तो वो फिर फट जाती हैं, तो हम ये फ्रेम है मट्टी का, हम इसके ऊपर हांडी रखते हैं। हमारे आलू और मोंगरे तैयार हैं और देखिए नीचे भी हांडी पक रही है, काफ़ी देर तक ये सालन गर्म रहेगा।